वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने वाले वाई पैरामीटर्स। वाई पैरामीटर्स को एडमिटेंस पैरामीटर भी कहते हैं। इनका जो स्टाइल होता है वो किस टाइप का होता है, वाई पैरामीटर्स को लिखने का कैसे करते हैं इसको। आई वन इक्वल्स टू वाई वन वन वी वन प्लस वाई वन टू वी टू, आई टू इज इक्वल्स टू वाई टू वन वी वन और वाई टू टू वी टू। ठीक है, ये वाई वन वन वाई वन टू वाई टू टू वन वाई टू टू, ये क्या बता रहे हैं हमारे वाई पैरामीटर्स या एडमिटेंस पैरामीटर। तो हमारा जो भी सर्किट होगा हम क्या करेंगे, उसे इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर वहाँ से जो वी वन का कोफिशियंट होगा वो वाई वन वाई वन वन दे देगा हमें, जो वी टू का होगा वो वन वाई वन टू, वी वन का जो टू वन और वी टू का वी टू टू वाई टू टू। ठीक है, तो इस सर्किट को सोल्व करना शुरू करते हैं इसी के अकॉर्डिंग। तो ये यहाँ पर आओ, ये वी वन वाला वोल्टेज इसके अक्रॉस है, तो वी वन को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तो कुछ है नहीं आगे, इस पर केसीएल लगाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर वी टू है, यहाँ इस वाले नोड का वोल्टेज हो जाएगा, ये हमने कर दिया कॉमन। ठीक है, ग्राउंड, तो केसीएल लगाते हैं पहले इस वाले नोड पर। हमारे पास दो नोड दिख रहे हैं, तो एक पहले मैंने मान लिया इसमें करंट ऐसे जा रही है, ठीक है, और इस वाले में ऐसे करंट जा रही है। अब देखो, जब मैं इस वाले नोड पर लगाता हूँ केसीएल, क्या होगा, आई वन आ रही है और ये वाली दोनों करंट जा रही हैं। ठीक है, तो आई वन आ रही है और बाकी की दोनों करंट जा रही हैं। ये वाली करंट जा रही है, तो ये वाली करंट कितनी होगी, वी वन, वी वन बाय फोर। ठीक है, यानी वी वन माइनस जीरो बाय फोर प्लस, यहाँ पे ये जा रही है वी वन माइनस वी टू बाय टू। यहाँ से इसको अलग अलग कर लो, वी वन और वी टू की वैल्यू, क्योंकि हमें वी वन और वी टू टर्म में निकालनी होती है। तो यहाँ से अलग की वी वन आया इतना, यहाँ से आएगा वन बाई टू, ये आ गया मेरा वी वन। ऐसे ही यहाँ से कितना आया, यहाँ तो वी टू अकेला ही है। तो पहले वाली इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करो, कितना आ गया, वाई वन 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 बाई टू प्लस वन बाई फोर और वाई वन टू माइनस वन बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारा कंपेयर करके वाई वन वन जो आ गया वन बाई फोर प्लस वन टू, कितना हो जाएगा ये फोर वन प्लस टू यानी थ्री बाय फोर। तो अब ये y क्या होता है, एडमिटेंस, एडमिटेंस यानी इम्पिडेंस का रेसिप्रोकल। तो इसकी यूनिट क्या आएगी, ओम का ओम इनवर्स यानी मो या साइन, जैसे कहते हैं एम एच ओ मो कहते हैं या साइमन कहते हैं। ठीक है, तो क्या आएगी इसकी, साइमन। y12 आ गया, y12 कितना आ गया, यहाँ पे देखो कंपेयर करो, v2 का कोएफिशिएंट क्या, माइनस वन बाई टू यानी माइनस पॉइंट फाइव साइमन। ठीक है, तो y11 और y12 आ चुके हैं हमारे, आगे निकालते हैं। अब इस वाले नोड पे लगाओ KCL, I2 आ रही है और ये वाली करंट भी आ रही है, हमने मान ली ये वाली करंट जा रही है। ठीक है, तो ये दो तो आ रही हैं, पहले v1 माइनस v2 बाई टू, v1 माइनस v2 बाई टू प्लस I2 इज कमिंग, और यहाँ पे ये कहा v2 माइनस जीरो बाय एट, v2 माइनस जीरो बाय एट। तो ऐसे ही अगेन v1 और v2 को इधर ले जाओ और अलग अलग कर लो, यहाँ v1 अकेला तो इसका हो जाएगा माइनस, ये वन बाई टू माइनस का इधर जाके प्लस का वन बाई एट के साथ ऐड। अगेन कंपेयर करो, y2 में क्या देता है v1, y21, तो y21 के यहाँ से कितना आ गया, y21 आ गया यहाँ से माइनस वन बाई टू यानी माइनस जीरो पॉइंट फाइव। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा, वाई टू टू कितना आ गया, वन बाई टू प्लस वन बाय एट, तो कितना आ गया ये फोर प्लस वन यानी फाइव बाय एट साइमन। ठीक है, यहाँ पे साइमन लिख लो। तो हमारे वाई पैरामीटर्स आ चुके हैं, अगर मैं इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखता हूँ कैसे लिखते हैं, यहाँ आएगा आई वन, यहाँ आएगा आई टू, यहाँ लिखते हैं हम वाई पैरामीटर्स। ठीक है, y पहले y11, y11 आया 3 बाई फोर साइमन, y12 आया माइनस वन बाई टू
साइमन वाई टू वन भी इतने आया, ये आया 5/8 साइमन, ठीक है, और यहाँ पे क्या वी वन वी टू, ठीक है, तो ये हो गए वाई पैरामीटर्स। अगर यहाँ तो देखो, ये तो चलो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग था, अगर हमें से कॉम्पिटिशन में करना है तो कैसे करेंगे, विद इन सेकेंड्स। ये पाई नेटवर्क है, पाई नेटवर्क के वाई पैरामीटर्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, अगर मुझे पाई नेटवर्क दिखता है इस टाइप का, इन जनरल मैं लिखता हूँ उसके लिए, अगर इस टाइप का कोई नेटवर्क है जैसे ये वाला दे रखा था हमें, मान लो ये रेजिस्टेंस दे रखा, इसका ये इम्पिडेंस, देखो यहाँ जो भी रेजिस्टेंस दे रखा होगा हम उसका पहले इम्पिडेंस वो निकाल लेंगे, एडमिटेंस, ठीक है, वन अपॉन करके। तो मैंने मान लिया ये वाई वन है, ये वाई बी है और ये वाई सी है, ठीक है, इस टाइप का नेटवर्क दिखता है तो इसके वाई पैरामीटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ बिना कुछ किए, वाई ए प्लस वाई सी, फिर यहाँ करेंगे माइनस ऑफ वाई सी जो बीच में लिखा है उसके नेगेटिव के साथ, और यहाँ पे वाई टू टू क्या होगा, वाई बी प्लस वाई सी, ठीक है। अगर हमसे पूछा गया होता हम डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले से निकाल दिए होते, अगर कंपटीशन में बैठे होते, ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी में होते तो पूरा दिखाना पड़ेगा वहाँ। तो देखो यही सब बन रहा है यहाँ पे, अगर इन सब को ध्यान से देखोगे, ये दोनों का ऐड है, वाई ए प्लस वाई सी पहले वाले में देखो, और यहाँ पे फिर माइनस वाई सी दो जगह, यहाँ पे देखो वाई बी प्लस सी, ये माइनस वाई सी, ठीक है। तो वाई पैरामीटर्स इस टाइप का नेटवर्क दिखता है तो इसके क्या हो जाएंगे, इस वाले के वाई ए प्लस वाई सी क्या, वाई सी होता है, वाई जो होता है वो ध्यान रखना वन अपॉन जेड होता है, यानी अगर हमें रेजिस्टेंस दे रखा हम क्या कर देंगे उसका वन अपॉन कर देंगे, तो हमारा वो वाई बन जाएगा, ठीक है, एडमिटेंस बन जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, ये अभी पहला सिंपल क्वेश्चन था, नेक्स्ट से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन पर बात करने वाले, ये बेसिक क्वेश्चन था, आई होप ये आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।